मंच पर विराजमान सेंसेई और आज मेरे स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। पीछे मुझे मौका मिला था 26 जनवरी के मौके पे आने का भी, तो हमारा आज़ादी का दिवस है। क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या अंदर से लगता आपको कि हम आज़ाद हैं? क्या ये आज़ादी है कि हम कहीं घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? क्या यही आज़ादी है? उस गरीब से पूछो जिसका काम नहीं होता है, दफ्तर में जाकर सवेरे जाता शाम को वापस आ जाता है कि मेरा काम नहीं हुआ, मैंने एप्लीकेशन पे साइन करवाने थे, एसडीएम नहीं है, एसएचओ नहीं है, मेरी कंप्लेन नहीं लॉन्च की जा रही है, वो बंदा दुखी है, वो डिप्रेशन में चला जाता, मर जाता है। क्या हम आज़ाद हैं? आज़ाद हैं, लेकिन उसका हम एहसास नहीं कर रहे। आज़ाद हैं लेकिन एहसास नहीं कर रहे। हम मर जाते हैं, कोई भी काम होता है तो हम क्यों, हमारे अंदर वो जागृति नहीं है, हमारे अधिकार का पता नहीं है, हम किसके आगे जा सकते हैं? प्रधान जी ने उस दिन एसडीएम, मुझे याद, हम जब यहाँ से जा रहे थे, इन्होंने फोन किया जी हमारे आज पहले बात हुई थी, वो कहता मैं बात, इन्होंने पहले ये पूछा कि क्या आप हैं, कहते ही मैं हूँ, जब दोबारा पूछा कि हमारे हैं, मैं जा रहा हूँ जी मीटिंग पे डर के, अगर हमारे में एकता है तो आप किसी को भी डरा सकते हैं अच्छे काम लेने के लिए। बात वो लोग मिसाइल फायदा उठा रहे हैं जो ऊपर बैठे, हम भी बैठे थे 37 साल, हमने भी लोगों को वो किया हुआ, आप आज नहीं कल आना, आपका काम आज नहीं होगा कल, लेकिन आज महसूस करें कि अगर मैं कस्टमर होकर जाता तो क्या बीतती है, तो उस चीज को समझना। जो कुर्सी में बैठा है वो हमारा नौकर है, कोई भी आदमी है, चाहे एसडीएम है, चाहे डीसी है, चाहे आपका सीएम है, चाहे गवर्नर है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारा नौकर है। ताकत आपके अंदर है, आप सुप्रीम है। आपको पता जो इम्प्लाईज है यहाँ पे क्लास वन, उनके जो ऑर्डर आते हैं वो गवर्नर के आते हैं, गवर्नर इज प्लीज टू अपॉइंट यू, मेरे ख्याल महेंद्र जी से बात है, आपकी अपॉइंटमेंट गवर्नर से हो रही है, कई लोगों की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो कितनी बड़ी ताकत है। जो महेंद्र जी ने बताया कि हमारे जो बाल सफेद हुए हैं, जो हम इस जिस स्टेज पे हैं, आप तो एक मिराकल बना सकते हैं, एक दुनिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन बात एक ही चीज है, एकता। पहले अपने जो प्रेसिडेंट जी मनोहर जी सारे लोग यही कहते हैं कि मेंबरशिप बढ़ाओ, कहीं पे अगर 3 लोग जाते हैं, अगर 15 लोग जाते हैं तो बाजार है, कोई आदमी काम ना करके दे, कोई काम ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी काम दे दीजिए आप ऐसे रिटायर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जा रहे हैं, क्या नहीं हो सकता है? कहना का मतलब यही है, हम जितने भी लोग हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, किसी वक्त का काम है वो तो वैसे हो सकता है, इंश्योरेंस का काम है मुझे है, बैंक का काम है तो वर्मा जी को बताओ, इनकम टैक्स है तो टंडन जी को बताओ, पॉलिटिकल कोई काम है तो कौल जी को बताओ, और दूसरा छोटा सा काम है तो महेंद्र जी कर देते हैं, तो सारे काम तो हो रहे हैं हमारे मेंबर्स के, तो वैसे हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा आपका। लेकिन जो नॉन मेंबर आपके एरिया की बात है, अब बात मैं थोड़ी सी डिफरेंट पे आता हूँ, क्या हम अपने लिए जी रहे हैं? क्या ये शरीर खत्म हो जाएगा? 60 साल के तो हो चुके हैं, कई तो बहुत ज्यादा के हो चुके हैं, मेरे 65, 70, 75, 80 के भी हो चुके हैं, कितनी उम्र बाकी बची है? और शरीर काम नहीं आएगा, वही आत्मा आएगी, वो किसी के शरीर में चली है, ये तो नष्ट होने वाला है, तो किसी ने रखा हमने इस चीज को? क्या हम सोसाइटी में नहीं कर सकते कुछ भी काम? तो आज हमें संकल्प लेना कि हमने सोसाइटी में कुछ ना कुछ नया करना है, नया करना है, हर एक आदमी ने संकल्प लेना है कि हमने सोसाइटी में नया करना है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, पीछे मैं रात को जा रहा था पालमपुर घर से, तो जब मैं पट्टी के आगे पहुंचे तो शमशान घाट की लाइटें जैसी थी, आप सोचिए कि मैंने गाड़ी साइड में खड़ी की और वहां पे मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यार क्या चीज है ये, और ये मन किया कि मैंने वहां जाके 10 मिनट बैठना दूसरे गाड़ी में, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, क्या चीज है, क्या बनाया उन्होंने, वो शमशान घाट है क्या? हमारे घर के एरिया में वैसी सफाई है क्या? वैसी लाइटें है क्या? नहीं है। क्या हम बना नहीं सकते? महेंद्र जी का शमशान घाट देखिए साथ में, जो सेवा करते हैं, फोन किया कहते हैं शमशान घाट में और चाय भी हमारी यहीं पीते हैं, मैं और मेरी वाइफ, क्या चीज है और क्या जज्बा है? ये जज्बा हम बना नहीं सकते हैं क्या? कमी के
किस चीज की है? इन्होंने लाखों रुपए जो है, मैं कई बार जो पटेल जी के घर में ये भाई बैठे होते हैं, भाई बैठे होते हैं, क्या नहीं हो सकता है? क्या पैसे की कमी? मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है। पहले तो डोनेशन से ले लो, हरेक से मांगो, मेरे से 500 रुपए मांगे कि मैं आज देने के लिए तैयार हूं। आप ये कहते हैं हमने काम शुरू किया, मुझे 500 रुपए दो। 20 आदमियों से लोगे तो आप कितना हो जाएगा? 500 के हिसाब से पैसे की तो कमी नहीं है। लोगों की, लोगों को लगाओ। इन्होंने एक बार फोटो डाली थी कि गांव के लोग इकट्ठे होकर वहां पे सफाई कर रहे हैं, लोग भी आ जाएंगे। आप में चाहिए लीडरशिप, ओनली लीडरशिप जिसके अंदर है सब कुछ हो सकता है। किसी भी चीज की कमी नहीं, हमारे हिंदुस्तान ऐसी है जहां पे सब कुछ है, आदमी भी है, रिसोर्सेज भी है, पैसा भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है। बस कमी है कि हम थोड़ा सा जो है अपने अंदर ही रहते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं। बस ठीक है जी, मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे ठीक है, मेरी बीवी ठीक है, मेरी फसल ठीक है, मेरा काम चल रहा है, ठीक है, मेरा टीवी देखना है, फॉर्म पढ़ लिया, सोना, मजा। मैं रिटायर हूँ, मैंने 60 साल तक नौकरी किया, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं रिटायर हूँ। अपने आप को रिटायर मान लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद इतना खुश हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ, 14 आवर्स, सवेरे 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। मेरे पूछ लेना किसी से, पूछ लेना, जब फोन करते हो मैं कहता हूँ मैं खेतों में। और आपके दाव, आपके लिए आपकी दवा के, हम चाय का बगीचा लगा रहे हैं अपने घर पे। पहला सेट है हमारा इसमें अगस्त में लगेगा, पहला बगीचा होगा चाय का हमारे लिए। क्यों? उससे मुझे फायदा नहीं होगा कुछ भी, लेकिन बनाना है कि हम चाय का बगीचा अपने एरिए में लगा सकते थे। वो पहले रईस लोग होते थे कि चाय के बगीचे हैं जी, पूरे हिस्सों के होते थे। क्या हम गरीब हैं? क्या हम गरीब नहीं हैं? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सोच थोड़ी सी अलग जागृत करनी चाहिए। सोच के गरीब है, सोच को बढ़ाओ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मिंदर जी को पूछो, लाखों रुपए देने वाले हैं ये, लाखों रुपए देने वाले हैं ये। और चाय के बगीचे के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 रुपए का पौधा 1 रुपए का मिल रहा है। देखो सब्सिडी देखिए, टी बोर्ड की सब्सिडी देखिए आप, 15 रुपए का पौधा 1 रुपए में मिल रहा है। क्या चल रहा है? जो जमीन खाली पड़ी है अगर इसमें चाय लगा देते हैं तो ना तो गाय अपने लिए चाय बनाइए, बेचो, चाय की बहुत एक्सपोर्ट होगी, चाय और हेल्प कर रही है आपकी, करने वाले चाहिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पैसा भी है। अभी कोरोना की वजह से सब्सिडी थोड़ी कम है, अदरवाइज पैसा बहुत ज्यादा है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से यही अनुरोध है सबसे कि हमने आपको स्वतंत्र बनाना है। हम स्वतंत्रता आजादी की बात करते हैं कि हम आजाद हैं, 74 साल हो गए, 75 हो गए, 76 भी हो जाएंगे, 80 भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे। क्या हम मानसिक रूप से आजाद हैं? क्या हमारे जो काम है वो क्या हो रहे हैं? किसी ने नलका लगाना है, क्या वो टाइम पे हो रहा है? चैलेंज दे दो SEO को, IPH वाले को कि मेरा नलका जो 15 दिन में लगना चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 15 दिन में लगेगा। 15 दिन में नहीं लगेगा तो उसकी कंप्लेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और CM कर को, फिर देखो क्या होता है। अरे हम टाइम बाउंड काम करो ना, टाइम बाउंड करो, बस बात है। मेरा काम ये होना चाहिए, आपने पाइप को सड़क से निकालना, PWD वाला जो JE है या SDO वो आपको परमिशन नहीं देता है, उसका अधिकार नहीं है। आप अपने गाइड के लिए दूसरा जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आप डर जाते हैं छोटी छोटी बात में, क्यों? अधिकार के लिए इस मंच के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि जो संस्था कर रही है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह डेली उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट है, डेली कहीं बात हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। कॉल जैसे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मंदिर जी, आप सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, सबका सहयोग है, लेकिन हमने जो है और करना है, कुछ और कुछ नया करना है। और अपने समाज में हर एक ना अपने जगह पे, अपने समाज में ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर एक ने सोचना कि मैंने कुछ नया एग्जाम्पल बनाना है और कुछ नया करना है। अभी प्यार चंद जी इसका फिटनेस रेगुलर रेगुलर के हमारे घर मंदिर में शादी हुई 10 दिन पहले, मैं स्पेशली शादी के लिए गया। और जब मैंने शादी को अटेंड किया तो मुझे इतना सुकून मिला, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक लड़की की शादी मंदिर में हो रही कोरोना के टाइम पे। और जब बराती आए थे मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होती? सर बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा ना, बस वही चीज़ है। हमने देखो सेंटर दिया उसको, हमने कुछ चार्ज नहीं किया वहाँ पर। प्यार चंद जी बताएंगे इस बारे में, बिजली का बिल हम भरेंगे, पानी का बिल हम भरेंगे, सगन हमने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिया उनको। मेरा छोटा ब्रदर वो भी देके गया, ब्रदर है बड़े वाले, उन्होंने भी दिया। और जब शादी हुई तो बहुत सुकून मिला, थोड़ा थोड़ा सोसाइटी के लिए थोड़ा 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 थोड़ा। वो कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरते हैं,
यहाँ तो दे रहे हैं 100 रुपए महीने का, लेकिन समाज के लिए थोड़ा थोड़ा जो है ना बहुत चेंज हो जाएगा और किसी टाइम पे हमारा समाज है वो स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।